हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं जा रहा हूँ बुरला, जो कि संबलपुर से 10 किलोमीटर है, और अगर टाइम हुआ तो मैं डैम का जो पीछे का जगह है वहाँ पे जाने का कोशिश करूँगा, हो सका तो अच्छा है। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है, आप इंजॉय कीजिए मेरा मोटो ब्लॉग। हम बुरला की ओर एंट्री हो गए हैं। काफ़ी गर्मी लग रहा है यार यहाँ पे, क्या बोले, कभी धूप कभी छाव हो ही जा रहा है, पर गर्मी तो गर्मी लग ही रही है यार। कोई बात नहीं, इसको भी हम एंजॉय करेंगे। यहाँ के रोड पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और हाँ, बताना आपको मेरा मोटो ब्लॉगिंग कैसा लगा। मोटो ब्लॉगिंग का मज़ा दिला रहा हूँ मैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये हम बुरला की ओर टर्न हो गए हैं। बस हम बुरला के अंदर एंट्री होने ही वाले हैं। ये है यूनिवर्सिटी बुरला का, संबलपुर यूनिवर्सिटी। और मेरे व्लॉग में ये शायद पहला मोटो व्लॉगिंग हो रहा है, और ये ऐसे कैम जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्लैरिटी आ रहा होगा शायद, आप देख लीजिएगा। क्या व्यू है बॉस! ये जो जगह है, पिकनिक स्पॉट है बुरला के पीछे, यहाँ बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, और बहुत मज़ा आता है यहाँ से। देखिए व्यूज़ यहाँ के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IMB। आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा, हम बुरला आया था किसी काम से, तो थोड़ा फ्री हो गया, तो मैं सोचा बुरला के पास हीराकुड डैम है, नाम तो सुना ही होगा आपने, वहाँ पे डैम के पीछे आया हूँ। आप नज़ारा देखिए, देखिए दिल खुश हो जाएगा यार, क्या हवाएं चल रही है, इतना शांत माहौल है यहाँ पे अभी, बस पानी की आवाज़ें आ रही हैं। आप सुन रहे हो कि लहरें की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही होगी आपको। मुझे तो यहाँ आके बहुत सुकून हुआ है, मैं और मेरा फ्रेंड फिरोज से, हाय हाय, मैं और ये दोनों आए हैं किसी काम से, आए थे बुरला, काम मेरा हो गया, तो बस मैं सोचा थोड़ा आधा घंटा इधर आ जाए तो थोड़ी शांति मिले मन को, क्योंकि यहाँ पे आसपास अभी कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा है, बस दूर दूर तक पानी ही पानी है। बस ये मोमेंट को हम लोग को इन्जॉय करना है, और मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा इन्जॉय करा दूँ। चलिए आप इन्जॉय कीजिए।
हाँ जी देखिए पानी पानी, मेरा एक्शन कैमरा लगा हुआ है टाइम स्लैट के लिए, ये शूट कर रहा है इधर का और नज़ारा काफ़ी अच्छा है। पानी देखिए कितना अच्छा पानी है, साफ पानी है। लॉकडाउन में तो यार नेचर पूरा अच्छा हो, यानी एयर पोल्यूशन भी कम हो गया, पानी का जो कलर था वो पूरा ब्लू दिख रहा है, आप देख सकते हो कैमरा में, जस्टिस उतना नहीं करता होगा पर हमको रियलिटी में इतना ब्लू पानी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ज़्यादा फैक्ट्रीज चलती नहीं हैं तो पानी भी उतना प्योर रहता है। चलो लॉकडाउन के कुछ फ़ायदे हुए, जो नेचर भी अच्छा हो गया काफ़ी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये व्यू कैसा लगा। इधर अपना फिरोज भाई उफ सूरज वो मोमेंट के मज़े लेते हुए। और हाँ जी, आप ये देखा नहीं कि मैं विदाउट काम हम लोगों ने ऐसे घूमने आया है, नहीं, लॉकडाउन में हम लोग ज़रूरी काम के लिए आए थे, तभी इससे पास था, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है, वहाँ बुरला में आए थे। आप सच मान लीजिए बुरला कितना दूर है, बुरला टाउन में मेरा ज़रूरी काम था और इसीलिए हम लोगों ने इधर आए, नहीं तो ऐसे ही हम लोगों घूमने नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ज़्यादा घूमना नहीं रहता है, कहीं बाहर निकलना नहीं है, हमको भी पता है। बस आप लोगों के लिए ही हम लोगों इतना सब मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपके लिए ये सब किया जा रहा है, प्लीज़ थैंक यू। और अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।